जय श्री कृष्णा, जय माता दी। दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का व्रत त्यौहार उपाय चैनल में। साथ ही धनतेरस के त्यौहार की ढेरों शुभकामनाएं आप सभी को। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे धनतेरस के दिन किए जाने वाले उन 5 उपायों के बारे में, जिनको करने से आपके घर में सुख समृद्धि और शांति के साथ साथ माता लक्ष्मी का भी आगमन हो सकता है। अगर आप इन उपायों को सच्चे मन और पूरी निष्ठा के साथ करेंगे तो ये बात पक्की है कि आपके घर में कभी भी धन की कमी नहीं होगी। तो ध्यान से सुनिएगा इन सभी नियमों को, क्योंकि आपको इनको धनतेरस के दिन ही करना है। वीडियो को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन उससे पहले आप जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस करें आगे आने वाले वीडियोस के लिए। दोस्तों, हिंदू पंचांग के अनुसार धनतेरस का त्यौहार कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को मनाया जाता है। 5 दिन चलने वाले इस दिवाली महोत्सव को धनतेरस के दिन से ही शुरू किया जाता है। ऐसी मान्यता है कि इस दिन धन्वंतरी भगवान का जन्म हुआ था, इसी वजह से इस दिन धनतेरस का त्यौहार मनाया जाता है। हिंदू धर्म में धनतेरस को धन्वंतरी जयंती और धन त्रयोदशी के नाम से भी जाना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार धनतेरस के दिन ये 5 उपाय करने से घर में सुख समृद्धि और शांति आती है। आइए जानते हैं इन उपायों के बारे में। सबसे पहला उपाय है पंच देवों की पूजा। धनतेरस के दिन भगवान धन्वंतरी के साथ देवी माँ लक्ष्मी, कुबेर, यम और भगवान गणेश जी की पूजा की जाती है। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न होती हैं और भक्तों के घर में वास करती हैं। दूसरा उपाय है दीप दान। ऐसा कहा जाता है हमारी धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भी कि धनतेरस के दिन यमराज के निमित्त जिस घर में दीप दान किया जाता है वहाँ अकाल मृत्यु नहीं होती है। तो धनतेरस के दिन आप अपने घर में यम का दीपक जरूर जलाएं। यम दीपक कैसे जलाना है ये मैं आपको पहले ही एक वीडियो शेयर कर चुकी हूँ। आप चाहें तो मेरे चैनल पर उसको एक्सप्लोर कर सकते हैं, या फिर ऊपर आई बटन पे भी शो हो रहा है, वहाँ से आप उसे देख सकते हैं। तीसरा उपाय है धनिया को खरीदना। वैसे तो धनतेरस के दिन सोने चांदी की चीज़ें खरीदने की परंपरा है, लेकिन अगर महंगी चीज़ें खरीदना आपके लिए संभव नहीं है तो निराश होने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप धनतेरस के दिन पीतल का बर्तन, पीली कौड़ियाँ या फिर धनिया भी खरीद सकते हैं। ऐसा कहा जाता है कि इस दिन धनिया खरीदना माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है। इस धनिया को खरीद कर पूजा करने के बाद आप अगले दिन इसको घर में मौजूद किसी भी गमले में बो सकते हैं। चौथे उपाय के अनुसार किन चीज़ों का दान करना चाहिए आप जान लीजिए। धनतेरस के दिन चीनी, बताशा, खीर, चावल, सफ़ेद कपड़ा, इस तरीके की चीज़ों का दान करना बहुत ही फलदायी माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि इन वस्तुओं को दान करने से धन की कमी नहीं होती है और जमा पूंजी बढ़ती है और आपके कारोबार या नौकरी में आ रही बाधाएं भी दूर होती हैं। पांचवा और आखिरी उपाय है बही खातों को नया करना। धनतेरस के दिन बही खाते या लेखा जोखा, जिसमें भी आप अपने बिजनेस का लेखा जोखा करते हैं, उनकी पूजा करनी चाहिए। इस दिन से आप संकल्प के साथ नए कार्यों की शुरुआत कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये थे वो 5 उपाय जिनको आपको धनतेरस के दिन ज़रूर करना है। ऐसा करने से आपके ऊपर आने वाली सभी विपत्तियाँ, चाहे वो आपके धन से जुड़ी हुई हो या नौकरी से या बिजनेस से, सब दूर हो जाएंगी और आपके घर में सुख समृद्धि और शांति आएगी। मैं उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अपना फीडबैक मेरे साथ जरूर शेयर करिएगा। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें वीडियो को। देखते रहिए व्रत त्योहार उपाय चैनल। जय श्री कृष्णा, जय माता दी।